है कोलवा बीच पे, ये साउथ गोवा का बीच है, मड़गांव से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर, मड़गांव बस स्टैंड से 5 किलोमीटर और मड़गांव रेलवे स्टेशन से 8 किलोमीटर। और आज हमारे साथ इस ब्लॉग में हमारा साथ देंगी लारण्या जी। हेलो लारण्या जी, आपने अभी 2 बीच घूम लिए ना, और ये तीसरा बीच है आपका। तो ये है साथियों कोलवा बीच। जिन लोगों को पता है, एक मूवी थी डोली सजा के रखना, ज्योतिका सदाना और अक्षय खन्ना की, तो उसमें जो अमरीश पुरी का कैरेक्टर था, तो वो अमरीश पुरी का कैरेक्टर इसी कोलवा बीच का था, और उसमें इसका शूट भी हुआ था। तो ये है वो कोलवा बीच, और यहाँ पे एक बच्चों का एम्यूजमेंट पार्क है। आपको बच्चों का एम्यूजमेंट पार्क घूमना है, आपको ये घूमना पहले है या फिर पहले बीच पे जाना है? अच्छा, घूमना है, ठीक है, चलिए पहले हम लोग बीच देख लेते हैं। वो देखिए पैराशूट वहाँ पे उड़ने के लिए तैयार हो रहा है। इसको काफ़ी अच्छे से डिजाइन किया है कोलवा ब्रिज, क्योंकि इसको मतलब बीच के लिए जो रेत है इसको हाइट पे कर दिया है। और ये गोवा की निशानी है, नारियल के और खजूर के और काजू के पेड़। सूरज भी लुका छुपी खेल रहे हैं। आपको क्या मजा आता है बीच पर? अच्छा, इन गड्ढों को देखना आपको अच्छा लगता है? अच्छा, आपको ये समुंदर में तैरना आता है क्या? आपको, आपने सीख लिया है क्या तैरना? गहरे में नहीं लेकिन छोटे, मतलब स्विमिंग टैंक में आप तैर लेते हो? अच्छा, और ये गहरे समुंदर में? अच्छा अच्छा, तो ये है साथियों कोलवा बीच। यहाँ पे बच्चों के एम्यूजमेंट पार्क है, मतलब छोटी छोटी खेलने की चीज़ें, नारियल की पेड़ है, काफ़ी यहाँ पे बोट्स रखी हुई है। उसके बाद कोलवा बीच जो फेमस है वो इसकी सफ़ेद रेत के लिए। अगर आप देखेंगे तो इसमें ये ऐसी सफ़ेद रेत होती है, ऐसी रेत आपको दीघा में देखने को मिलती है, वेस्ट बंगाल, वो वे ऑफ बंगाल का समुंदर है वहाँ पर। ये दूर तक फैली हुई सफ़ेद रेत, और फिर ये है हमारा कोलवा बीच। देखिए सूरज और ये बीच, ये अरब सागर है। अरब सागर अपनी स्पीड के लिए फेमस है। वीडियो को हॉरिजॉन्टल में करूंगा ताकि आप लोग देख सके इसकी लहरों। ये है कोलवा बीच की लहरें, आप देखिए अथाह समुद्र है ये, जहां तक नजर जाएगी पानी ही पानी। ये इसकी लहरें, ये समुंदर की लहरें हैं सर।
यहाँ पे पैराशूट्स भी बहुत सारे लोग करते हैं। पैराशूट के माध्यम से देखिए आपको एक पैराशूट खुलाया जा रहा है और हम लोग आपको पैराशूट को कैसे खुलाना है इसकी भी दिखाएंगे। यहाँ पे बहुत सारे कौवे हैं, हमको देखने में बहुत आसान लगता है कि भाई पैराशूट उड़ रहा है, लेकिन उसको कितनी सारी देखिए आप रस्सियाँ हैं कितना बड़ा होता है वो, और उसको तैयार करना ये मतलब थोड़ा सा इतना आसान नहीं रहता है। देखिए ये समुंदर और ये देखिए ये पैराशूट है, ये बोट है, बोट को ये बंधी हुई पैराशूट की रस्सी है। देखिए कितनी सुंदर लहरें हैं, दूर तक फैली हुई लहरें। गल्लू जी अच्छा लग रहा है आपको यहाँ पर? हाँ। वो बीच अच्छा था या ये बीच अच्छा है? ये बीच। क्योंकि वो पहला बीच जो इन्होंने एंजॉय किया था वो कलिंगड़ का बीच था। अभी आप ये वाला बीच आपको अच्छा लग रहा है? अभी आप इसमें नहाओगे? ओके बेटा, कपड़े इसलिए आपको गीला नहीं करना है क्योंकि आपका होटल दूर है ना। ये देखिए लहरें हमारे पैरों का स्वागत करने के लिए आ रही है। अच्छा तो रेशन पानी को लहरें कैसे हमारे पैरों का स्वागत करेंगी? पानी फिर उतरता है, जब उतरता है पानी तो देखिए कैसे उतर रहा है। तो साथियों ये था कोलवा बीच, आप भी इसका मजा लीजिए जब भी आप आए। मड़गांव से लगभग 5 किलोमीटर दूर यह बीच आपको दिखाई देगा।